गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो प्लांट ब्रीडिंग के जो मेन स्टेप्स होते हैं उसको कैसे डिसाइड किए जाते हैं। तो इसके आप लोग देख रहे होंगे कि इसके मैंने प्रॉपरली आप लोगों के लिए नोट्स को प्रिपेयर किया है, जिससे कि मुझे समझाने में भी आसानी हो और आप उसको ईजी वे में आप उसको समझ भी सको। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन स्टेप्स इन ब्रीडिंग ए न्यू जेनेटिक वेराइटी ऑफ ए क्रॉप आर, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो मेन स्टेप्स कौन से हैं प्रजनन के, जिससे कि एक न्यू जेनेटिक वेराइटी क्रॉप की हमें मिल सके। माने हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें इन ब्रीडिंग स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक न्यू जेनेटिक वेराइटी का हमें क्रॉप को प्रोड्यूस करना है, एक न्यू जेनेटिक वेराइटी के क्रॉप को मार्केट में लाना है, जिससे क्या हो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सके। तो सबसे पहला उसमें स्टेप क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ए वेरिएबिलिटी, माने जितने भी उससे रिलेटेड प्लांट हैं उसको हम कलेक्ट कर लें। तो इसमें क्या है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज़ द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। बहुत सी क्रॉप में पूर्ववर्ती अनुवांशिक परिवर्तनशीलता, जिसको प्री एक्सिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी कहते हैं, उन्हें अपनी जंगली प्रजातियों से प्राप्त होती हैं। कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज़ स्पीशीज़ एंड रिलेटिव्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पीशीज़ फॉलोड बाई दियर इवेल्युएशन फॉर दियर कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ ए प्री रिक्विजिट फॉर इफेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल जीन अवेलेबल इन द पॉपुलेशन। द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट सीड हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील फॉर ऑल जीन इन ए गिवन क्रॉप इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म कलेक्शन। इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है कि हमें जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करना है। जर्म प्लाज्म मतलब होता है कि एक जीन के जितने भी डिफरेंट एलील हो सकते हैं हमें उन सबको यहाँ पे कलेक्ट करना है। अब आपको अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे दूँ, मैं आपको बोलूँ कि जो गोभी होती है, गोभी की सबसे बेस्ट वैरायटी को हमको तैयार करना है, जिसकी क्या हो मतलब बिल्कुल न्यू जेनेटिक वैरायटी को हमको वहाँ पे तैयार करना है। तो गोभी की सबसे न्यू जेनेटिक वैरायटी को तैयार करने के लिए गोभी की जितनी भी सारी वैरायटीज़ आती हैं, गोभी की भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती है, आपने देखा होगा बहुत सारी गोभी बहुत छोटी छोटी होती है, कुछ गोभी बहुत बड़ी होती है, एक उसमें बंद गोभी भी आती है, एक ब्रोकली भी आती है, इसी तरह से शिमला मिर्च में भी आपने देखा होगा अलग अलग कलर्स के वो आते हैं। तो एक स्पीशीज़ के जितनी भी सारी, अगर हमें किसी भी स्पीशीज़ की न्यू जेनेटिक वैरायटी को फॉर्म करना है तो सबसे पहले अभी सपोज़ करो आपको एक गेहूं का नया बिल्कुल न्यू जेनेटिक वैरायटी का पौधा आपको तैयार करना है। ठीक, जैसे कि कल मैंने जो भी आपको बताया था कि कौन कौन से डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स होने चाहिए जो कि हम एक प्लांट में लाना चाहते हैं, तो आप उन सारे आप उन सारे कैरेक्टर को कंसीडर करते हुए आप एक गेहूं की न्यू जेनेटिक वैरायटी के प्लांट को आप तैयार करना चाहते हो। इसके लिए आप क्या करोगे, अभी प्रेजेंट टाइम में मौजूद सारे गेहूं की प्लांट की जो वैरायटी है उसको आप पहले कलेक्ट करोगे, चाहे वो फॉरेन में होती हो, चाहे वो इंडिया के विभिन्न पार्ट्स में होती हो, चाहे वो जंगल्स में होती हो, तो आप क्या करोगे उन सभी को आप कलेक्ट करोगे और एक सीरियल में उन सबको खड़ा कर दोगे। इतनी बात आपको समझ में आई, तो यही यहाँ पे जो है मतलब ब्रीडिंग प्रोसेस का सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ए वेरिएबिलिटी, मतलब हमें विभिन्नताओं को कलेक्ट करना है। एक स्पीशीज़ की जितनी भी सारे डिफरेंट प्लांट्स आती हैं, जितने भी डिफरेंट ब्रीड्स आते हैं, हमको उन सबको कलेक्ट करना है। फिर सेकंड स्टेप क्या है, इवेल्युएशन एंड सेलेक्शन ऑफ पेरेंट। अब जितनी भी डिफरेंट ब्रीड को हमने सेलेक्ट किया है उसमें से हमको क्या करना है, उसको इवेल्युएट करना है, माने उसका मूल्यांकन करना है, और जो सबसे बेस्ट पेरेंट होगा उसको हमको वहाँ से सेलेक्ट करना है। इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है, द जर्म प्लास्ट का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया ना, एक जीन के जितने भी पॉसिबल एलील होते हैं, जिनके हर एलील के बारे में हमें जानकारी हो, उसी को हम जर्म प्लास्ट बोलते हैं।
द जर्म प्लाज्म इज इवेलुएटेड, मतलब इवेलुएशन का मतलब होता है उसका मूल्यांकन, ठीक है। तो जर्म प्लाज्म इज इवेलुएटेड ताकि पादपों को उनके लक्षणों के वांछनीय संयोजन के साथ अभिनिर्धारित किया जा सके। वांछनीय संयोजन का मतलब क्या होता है, हमने जो कैरेक्टर्स पहले से डिसाइड किए हुए हैं उसी को बोलते हैं वांछनीय संयोजन किया जा सके। द सेलेक्टेड पेरेंट सॉरी द सेलेक्टेड प्लांट आर मल्टीप्लाइड, जो भी प्लांट को हम सेलेक्ट कर लेंगे उसको फिर हम मल्टीप्लाइड करेंगे। एंड यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्योर लाइन आर क्रिएटेड वेयर एवर डिजायरेबल एंड पॉसिबल। फिर है चयनित पादपों को बहुगुणित, अब इसी का हिंदी लिखा हुआ है, चयनित पादपों को बहुगुणित कर उनका प्रयोग संकरण की प्रक्रिया में किया जाता है। इस प्रकार जहाँ वांछनीय तथा संभव है वहाँ शुद्ध वंश क्रम उत्पन्न कर ली जाती है। देखो इस चीज़ में क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है, पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने जितनी भी एक स्पीशीज़ की जितनी भी सारी ब्रीड्स पॉसिबल होती है हमने उन सारे ब्रीड्स को हमने एक लाइन में कतार में खड़ा कर दिया। उसके बाद हमको मान लो कि हमको एक ऐसा प्लांट चाहिए जो कि प्रोटीन मतलब जिसकी जो प्रोटीन यील्डिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी हो प्लस वो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, ये दोनों गुण हमको एक ही प्लांट में लाने हैं। तो हमने जो मान लो हमने यहाँ पे 10 प्लांट को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमने इन 10 प्लांट को मैंने ये एक स्पीशीज़ के ये 10 प्लांट हैं डिफरेंट हैं प्लांट है, हमने इसको यहाँ पे एक कतार में खड़ा कर दिया। अब हम इन 10 प्लांट को सबसे पहला स्टेप इसमें यही है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, तो एक स्पीशीज़ के जितने भी डिफरेंट ब्रीड अवेलेबल हो सकते हैं हमने उसको सेलेक्ट किया और उसको एक लाइन में खड़ा कर दिया। अब हम उसको इवेलुएट करेंगे और सेलेक्शन ऑफ पेरेंट करेंगे। अब हम एक एक प्लांट पे अपना हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, एक एक प्लांट में जो भी हमको डिज़ायरेबल कैरेक्टर चाहिए हम उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे मैंने आपको बताया मुझे चाहिए कि मेरा जो एक प्लांट हो वो उसकी प्रोटीन यील्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन देता हो, साथ ही साथ में एक और खूबी क्या हो कि वो डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, मतलब कोई भी पैथोजन उस पर ईजीली अटैक ना कर सके। तो हम देखेंगे कि किस प्लांट में ये कैरेक्टर्स मौजूद हैं। सपोज़ करो ये नंबर 3 वाला जो प्लांट है ये डिजीज़ रेजिस्टेंट है, मतलब इस पर कोई भी पैथोजन डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता, ठीक। और इस तरह से हमने इसको इतने में से इवेलुएट कर लिया, पहचान लिया। और अब सपोज़ करो ये वाला जो प्लांट है इसमें क्या है, या इसके जो मतलब इसका जो प्रोडक्ट होता है उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इवेलुएट कर लिया और अपने और हमने क्या किया, सेलेक्ट द सेलेक्शन ऑफ पेरेंट्स भी हमने कर लिया, मतलब यहाँ से हमने ये प्लांट ले लिया और यहाँ से हमने इस प्लांट को सेलेक्ट कर लिया। अब इन्हीं दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में करवाने से भी पहले इसी में हम क्या करवाएंगे, इसी के हम हाइब्रिडाइजेशन का संकरण के प्रोसेस को इसमें करवाते जाएंगे। क्यों संकरण के, माने ये जो प्लांट है ना इसी प्लांट का इसी प्लांट के जैसे के साथ हाइब्रिडाइजेशन को हम करवाते जाएंगे। वो हम क्यों करवा रहे हैं, ताकि प्योर लाइन को डेवलप किया जा सके, ताकि इस प्लांट में जो डिजीज़ रेजिस्टेंस का जो गुण है वो बिल्कुल इसमें छप जाए। प्योर लाइन का मतलब क्या है कि जो जीन्स इसमें मौजूद हैं वो जीन्स इसमें छप जाए, सेग्रीगेशन ना हो जाए। मेंडल का जो दूसरा नियम है उसमें है ना पृथककरण का नियम, माने जो एलील्स होते हैं वो हमेशा एक साथ नहीं रहते, वो बिल्कुल पृथक हो जाते हैं। तो बस हमें वही पृथककरण से मतलब सेग्रीगेशन होने से बचाने के लिए जीन्स के हम यहाँ पे प्योर लाइन को डेवलप करते हैं। और प्योर लाइन कैसे डेवलप करते हैं, 4 to 6 जनरेशन तक इनमें क्या करवाएंगे हम, इसी प्लांट के जैसे के साथ हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते रहेंगे। वही चीज़ हम इस प्लांट के साथ भी करेंगे 4 to 6 जनरेशन तक, ताकि क्या हो इसमें प्योर लाइन का डेवलपमेंट हो जाए। और जब प्योर लाइन डेवलपमेंट हो जाएगा तो हमें हमारे 2 पेरेंट प्राप्त हो जाएंगे। अब इन 2 पेरेंट्स के गुण को ही हम क्या करेंगे, अपने एक ही प्लांट में डालने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक आपको ये सेकेंड स्टेप भी समझ में आया होगा। थर्ड स्टेप में देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मैं इसको आपको नोट्स भेजूँगी, एलील की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। वन
वन ऑफ टू और मोर पॉसिबल फॉर्म ऑफ ए जीन दैट आर फाउंड एट द सेम प्लेस ऑन ए क्रोमोजोम. ह्यूमंस आर कॉल्ड डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे हैव टू एलील्स एट ईच जेनेटिक लोकस विथ वन एलील इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट. इसका मतलब क्या है, प्रत्येक जीन के क्या होते हैं, एलील्स होते हैं, और उसमें से जो एक एलील होता है वो ईच पेरेंट से, मतलब एक पेरेंट से वो हमारे में आता है. ठीक है, जैसे सपोज़ करो हम आइस के कलर के लिए बोले, तो आइस का कलर अगर मम्मी में क्या है, मम्मी की ब्लैक आइज है, और ब्लैक आइज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन का एलील है वो मम्मी से आया, और एक जो सपोज़ करो कि पापा की ब्लू कलर की आइज है, तो ब्लू कलर के जीन का एलील क्या हुआ, पापा से आया. अब उसमें जैसे मेंडल का जो प्रभाविता का नियम होगा, जो भी उसमें प्रभावी होगा एलील, वो अपने आप को प्रदर्शित कर देगा. तो वही है कि एक जीन के कितने सारे डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं, उसी को हम एलील कहते हैं. और एलील कहाँ से आते हैं, पेरेंट्स से आते हैं. अब देखो यहाँ पे तीसरा स्टेप क्या, पहला स्टेप क्या था, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी. दूसरा स्टेप क्या था, इवेल्युएशन एंड सेलेक्शन ऑफ पेरेंट. तीसरा स्टेप क्या है, जो हमने पेरेंट को सेलेक्ट किया, एक पेरेंट को हमने सेलेक्ट किया था जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंस था, और उसमें हमने प्योर लाइन को डेवलप कर लिया. दूसरा पेरेंट हमने सेलेक्ट किया जिसकी कि प्रोटीन इल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, वो काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन का उत्पादन कर सकता था, और उस पेरेंट में भी हमने क्या किया, प्योर लाइन को डेवलप कर लिया. तो इस तरह से हमको यहाँ पर टू पेरेंट्स की प्राप्ति हो गई. द डिजायर्ड कैरेक्टर, वांछित लक्षण दो भिन्न पादपों से प्राप्त कर संयोजित किया जाता है. उदाहरण, एक जनक पेरेंट जिसमें उच्च प्रोटीन गुणवत्ता है, और अन्य जनक जिसमें रोग निरोधक गुण हैं. दोनों के संयोजन की आवश्यकता है. यह पर संकरण क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन द्वारा संभव है कि दो जनक ऐसे संकर पैदा करें जिससे अनुवांशिक वांछित लक्षणों का संगम एक पौधे में हो सके. वांछित पौधे के परागकण का संग्रहण जिसे नर जनक के रूप में चुना गया है, तथा उसे मादा पौधे के वर्तिकाग्र पर डालना जिसे मादा के रूप में चुना गया है. दिस इज़ ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टेंडियस कठिन प्रोसेस. यह भी आवश्यक नहीं है कि संकर हाइब्रिड वांछनीय लक्षणों को संयोजित करे ही. सामान्यतः कुछ सैकड़ों से हजारों क्रॉस में केवल एक में ही वांछनीय संयोजन प्रदर्शित होता है. ये क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और उतना इजी प्रोसेस भी नहीं है, काफ़ी ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है. डिफ़िकल्ट प्रोसेस क्यों होता है, सबसे पहले तो हमें जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर चाहिए उसको इवेल्युएट करना, खैर ये सब तो बहुत मुश्किल है ही, लेकिन मान लो हमको ऐसे दो प्लांट मिल भी गए. ठीक है, तो सपोज़ करो इस प्लांट को हमने मेल प्लांट के रूप में कंसीडर किया, और इस प्लांट को हमने फीमेल प्लांट के रूप में कंसीडर किया. मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2 में कि अगर हमको क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाना है तो हमको वहाँ पे क्या करवाना पड़ता है, हमको वहाँ पे इमैस्कुलेशन का प्रोसेस करवाना पड़ता है ना. एक बार और जाके आप उस चीज़ को पढ़ना आज. तो उसमें क्या करेंगे, इस मेल प्लांट के रूप में हमने जिसको चुना है, इसके फ्लावर से हम क्या करेंगे, परागकण पॉलन ग्रेन्स को ले लेंगे, और इसके वर्तिकाग्र पर हम उसको डालेंगे. तो क्या होगा, अब पॉलन ग्रेन और ओव्यूल जब आपस में, सॉरी एग सेल जब आपस में मिलेंगे, तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट आगे चल के सीड का उससे निर्माण होगा. तो ये बात मैंने जितनी आसानी से बोल दी, उतनी आसानी से ये संभव नहीं होता. हम बहुत सारे प्लांट्स के बीच में, मैंने इसी तरह के बहुत सारी हम प्लांट्स को लेंगे, और कम से कम सैकड़ों से, मतलब 100 से लेकर 10,000 प्लांट्स हम उगाएंगे. इन दोनों के बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा विकसित किए गए जो प्लांट्स हैं उनकी संख्या 100 से 10,000 तक होगी. और उन 100 से 10,000 तक के प्लांट्स में ज़रूरी नहीं है कि जो कैरेक्टर हमको चाहिए वो एक जो कैरेक्टर हमको चाहिए वो एक प्लांट में आ ही जाए, ये पॉसिबल नहीं है. लेकिन हो सकता है कुछ, हमें पॉजिटिविटी तो यहाँ पे रखनी है ना,
हो सकता है कि 10,000 से 10,000 प्लांट में से कोई एक प्लांट ऐसा हो, 10,000 प्लांट में से कोई एक, केवल कोई एक प्लांट ऐसा हो जिसमें कि जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर है वो आ जाए। कैसे डिज़ायर्ड कैरेक्टर? एक ही प्लांट में उसकी प्रोटीन यील्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो और वो रोग निरोधक गुण हो, तो ऐसा पॉसिबल है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी गुण होंगे जो कि हम नहीं चाहते हैं, वो भी आ सकते हैं। तो हमें यहाँ भी क्या करना होगा, इवैल्यूएशन का प्रोसेस को अपने जारी रखना होगा। फोर्थ स्टेप क्या है हमारा? सेलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। अब ये जो मैंने यहाँ पे बोले हैं 10,000, उसका हम सिलेक्शन करेंगे उसमें से और टेस्ट करेंगे कि सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट हमारा कौन सा है। दिस स्टेप कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टिंग अमंग द प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब होता है जितनी भी संतानें उत्पन्न हुई हैं, ऑफ द हाइब्रिड दोज प्लांट दैट हैव द डिजायर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। इसके अंतर्गत संकरों की संतति के बीच से पादप का चयन किया जाता है जिनमें वांछित लक्षण संयोजित हों। द सेलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ ए ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायर्स केयरफुल साइंटिफिक इवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेनी। दिस स्टेप इल प्लांट्स दैट आर सुपीरियर टू बोथ द पेरेंट, बहुधा एक से अधिक श्रेष्ठ संतति पादप उपलब्ध होते हैं। ये कई पीढ़ियों तक स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेटेड तब तक करते रहते हैं जब तक कि समरूपता यूनिफॉर्मिटी होमोजाइगोसिटी की अवस्था नहीं आ जाती, जिससे संतति प्रोजेनी में लक्षण विसंयोजित सेग्रीगेट नहीं हो पाते। अब सपोज करो कि हमने क्या किया, 10,000 प्लांट्स को हमने क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा विकसित किया और उन 10,000 प्लांट में से एक नहीं, मैं आपको बोलूँगी 3-4 ऐसे प्लांट्स थे जिसमें कि डिजायर्ड कैरेक्टर्स थे और वो बहुत ही सुपीरियर भी थे, ठीक। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर लिखा है ना कि होमोजाइगोसिटी विकसित करनी होगी। होमोजाइगोसिटी क्यों विकसित करनी होगी? जिससे जो लक्षण हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो सेग्रीगेट ना हो जाए। और जब भी होमोजाइगोसिटी की बात आती है वहाँ पर हमें क्या करवाना पड़ेगा, सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया हमको करवानी पड़ेगी। दैट मीन्स इसी प्लांट के जो पॉलन ग्रेन है, इसी प्लांट के वर्तिकाग्र पर आके, मतलब उनका क्या हो, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो एक ही प्लांट में, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया करवानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो कैरेक्टर्स है वो सेग्रीगेट ना हो जाए प्योर लाइन को यहाँ डेवलप करने के लिए। एक प्लांट में जो हम कैरेक्टर्स चाहते हैं, कौन से कैरेक्टर्स यहाँ पे हमने कंसीडर किए हैं कि एक प्लांट की प्रोटीन यील्डिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी हो और सेकेंड क्या है कि वो डिजीज़ रेजिस्टेंस भी हो, ठीक। तो एक तो उस कैरेक्टर को कंसीडर करते हुए ही हम इसमें क्या करेंगे, प्योर लाइन को डेवलप करेंगे। और लास्ट स्टेप क्या है इसमें, टेस्टिंग रिलीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवार। हम क्या करेंगे, जो भी जो प्रोजेनी है जो कि हमने प्योर लैंड द्वारा होमोजाइगोसिटी उसमें डेवलप कर ली है, अब उसको एक बार और हम टेस्ट करेंगे, उसको मार्केट में रिलीज़ करेंगे, उसका कॉमर्शलाइजेशन करेंगे, मतलब हर जगह वो प्रोडक्ट हमारा बिके, इसलिए कुछ टेक्निक्स का यूज़ करेंगे ऑफ न्यू कल्टीवार्स, मतलब जो भी हमने न्यू कल्टीवेट होने के लिए प्लांट को जनरेट किया है। द न्यूली सेलेक्टेड लाइंस आर इवेलुएटेड फॉर डियर ईल्ड एंड अदर एग्रोनॉमिक ट्रेड ऑफ क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। दिस इवेल्युएशन इज डन बाई ग्रोइंग दिस इन द रिसर्च फील्ड एंड रिकॉर्डिंग दियर परफॉर्मेंस अंडर आइडियल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इरीगेशन एंड अदर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। द इवेल्युएशन इन रिसर्च फील्ड इज फॉलोड बाई टेस्टिंग द मटेरियल इन द former field for at least 3 growing season at several location in the country, representing all the agronomic zone where the crop is usually grown. The material is evaluated in comparison to the best available local crop cultivar, a check or reference cultivar. देखो इसका मतलब यहाँ पे ये कहने का प्रयास किया जा रहा है, टेस्टिंग हम कैसे करेंगे।
अगर हम गाज़ीपुर की बात बताएं तो गाज़ीपुर में जो पीजी कॉलेज है ना, उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, उसके पास आप लोग देखते होंगे कुछ खेती होती है। तो वो खेती जो है वो किसानों के लिए वो खेत नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो एक रिसर्च फील्ड है। वो एक रिसर्च फील्ड है और क्या हो, और उसमें रिसर्च फील्ड में किया क्या जाता है, जो भी हमने डिज़ायरेबल सुपीरियर प्लांट्स को हमने ग्रो करवाया है, मतलब हमने उसको विकसित करवाया है, उसको हम क्या करेंगे, पहले रिसर्च फील्ड में हम उसको डेवलप करवाएंगे और उसकी टेस्टिंग करेंगे कि उसका जो सीड है वो, हाँ, मतलब जो हम डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी चाहते हैं उसमें है कि नहीं। और ये रिसर्च फील्ड में ग्रो करवाने के बाद फिर हम उसको फार्मर फील्ड में ले जाएंगे। फार्मर फील्ड का मतलब होता है जो किसान जिस फील्ड में खेती करते हैं ना, उस फील्ड में हम उसको ले जाके और फिर वहाँ पे हम उसकी खेती को करवाएंगे। और केवल एक जगह पे नहीं, कंट्री के हर एक प्लेस में हम ले जाके उसको उगाकर हम देखेंगे कि कहीं जो कैरेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट तो नहीं हो रहे हैं, और जैसा हमको प्रोडक्ट चाहिए वैसे प्रोडक्ट की हमको प्राप्ति हो रही है कि नहीं। और ऐसा हम केवल एक सीज़न तक नहीं करेंगे, ऐसा हम 3 सीज़न तक करेंगे उस प्लांट के ग्रोइंग के। 3 सीज़न यहाँ पे लिखा है ना, एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीज़न तक हम क्या करेंगे, सेवरल लोकेशन, मतलब जो कंट्री में हमारे सेवरल, मतलब हम उसको दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में और असम में, मतलब उत्तर पूर्वी भारत में हम उसको उगा कर देखेंगे प्लांट को। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि एक जो प्लांट है वो हर जगह के लिए सुटेबल नहीं होगा। हम देखेंगे कि वो जो हमने मतलब हमारे द्वारा लैब में तैयार किया हुआ जो प्लांट है वो सबसे अच्छा, वो अपना बेस्ट रिज़ल्ट किस क्लाइमेट के अंतर्गत देता है, इसको चेक करने के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं ना, मान लो अगर वो दक्षिण भारत में हमने सबसे ज़्यादा अपनी मतलब अपने आप को प्रदर्शित करता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो प्लांट है वो दक्षिण भारत के लिए सबसे, मतलब वहीं के ये ग्रोइंग के लिए बना हुआ और वहीं पर इसको ग्रो हमें करवाना चाहिए। ठीक, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से हम 3 ग्रोइंग्स, मतलब 3 सीजन्स तक, एक सीज़न ख़त्म हुआ फिर दूसरा फिर तीसरा, देखेंगे कि जो कैरेक्टर्स हम चाहते हैं वो सेग्रीगेट तो नहीं हो रहे हैं, या जो कैरेक्टर्स हम चाहते हैं वो हर एक सीज़न में आ तो रहे हैं। तो पहले हम उसको रिसर्च फील्ड में प्लांट को उगाएंगे। रिसर्च फील्ड में जब हम वो उग जाएगा, जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो उसमें उपस्थित रहेंगे, तो उसको हम फिर फार्मर फील्ड में ले जाएंगे। और फार्मर फील्ड में ले जाके, और फार्मर फील्ड में केवल एक जगह पे नहीं बल्कि कंट्री के हर एक जगह पे हम उसको ले जाके पूरे खेत में, नहीं किसानों से हम थोड़ी सी बातचीत करके थोड़ा थोड़ा उनका खेत मांग लेंगे और वहाँ पर ले जाके उसको उगा के देखेंगे, और कंट्री के हर एक जगह पर। ठीक है, और फिर कब तक ऐसा हम काम करते रहेंगे, 3 ग्रोइंग सीज़न तक। तो जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर उसको रिलीज़ करेंगे और उसको कॉमर्शलाइजेशन करेंगे। ये कॉमर्शलाइजेशन का प्रोसेस क्या, कैसे जाता है, हम बोलेंगे कि हमारे द्वारा जो तैयार किया गया प्लांट है वो रेफरेंस प्लांट से कितना ज़्यादा बेटर है। दैट मीन्स अभी जो गेहूँ की वैरायटी प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध है, ठीक है, मान लो अभी ये जो गेहूं की जो न्यू वैरायटी है जो भी प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध है गेहूं की वैरायटी, और हमारे द्वारा जो तैयार की गई जो ये न्यू वैरायटी है, इन दोनों के बीच में हम तुलना करके लोगों को बताएंगे, या जो भी वहाँ पे साइंटिस्ट होंगे हम उनको ये बताएंगे कि हमारा ये जो नया प्लांट है वो पहले से उपस्थित प्लांट से कितने, मतलब कितने गुना वो उससे ज़्यादा बेटर है। ठीक, तो इसको बोलते हैं रेफरेंस प्लांट। मैंने इसके साथ हम इसका रेफरेंस करेंगे कि ये जो प्लांट है वो किस किस हिसाब से इससे क्या है बेटर है। तो ये था कुछ ब्रीडिंग प्रोसेस टेक्निक्स। हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी किया। मैंने एक प्लांट के जितने भी सारे डिफरेंट ब्रीड्स पॉसिबल हो सकते हैं हमने उन सभी को क्या किया, पहले कलेक्ट किया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, हमने इवैल्यूएशन के प्रोसेस को किया, मतलब हमने वहाँ पे इवैल्यूएशन किया और सेलेक्ट द बेस्ट पेरेंट, और हमको जो भी डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स एक प्लांट में चाहिए उसके लिए हमने अपने पेरेंट को सेलेक्ट किया। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या था, जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में हम क्या करवाएंगे, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस को करवाएंगे।
ठीक है, उसके द्वारा हम क्या करेंगे, लगभग 10,000 या कुछ 100, मतलब 900-800 तक हमने प्लांट्स को हमने वहाँ पे क्या करवा लिया, ग्रो करवा लिया, ठीक है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। उसमें से भी जो इतनी सारी उसकी प्रोजेनी को हमने विकसित करवाया है, चौथे स्टेप में क्या था कि हम उसमें से सेलेक्शन करेंगे, ठीक है, सेलेक्शन एंड टेस्टिंग द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स का हम वहाँ पे सेलेक्शन करेंगे। और लास्ट फिफ्थ स्टेप क्या है कि अब हम टेस्टिंग करेंगे, मैंने जो भी हमको नए प्लांट्स आए उसके हम टेस्टिंग करेंगे, उसको रिलीज़ करेंगे और उसका कॉमर्शलाइजेशन करेंगे ऑफ न्यू कल्टीवार्स। टेस्टिंग कैसे करेंगे, पहले हम उसको रिसर्च फील्ड में उगाएंगे, फिर हम उसको फार्मर फील्ड में उगाएंगे और कितने सीज़न तक, 3 ग्रोइंग सीज़न तक। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फार्मर फील्ड में कितने सीज़न तक उगाया जाता है, तो एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीज़न तक हम उसको फार्मर फील्ड में उगाएंगे। और फिर क्या करेंगे, उसका कॉमर्शलाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम तुलना करेंगे रेफरेंस प्लांट के, मतलब अभी जो मानो हमने गेहूं का प्लांट को विकसित किया है जिसमें कि उसकी जो प्रोटीन, मतलब एक गेहूं में जो प्रोटीन है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया है और वो डिजीज़ रेजिस्टेंस भी हो गया, लेकिन पहले का जो प्लांट था कितने गुना उससे ज़्यादा ये बेटर है हमारा नया वाला, इसकी हम पूरी एक अपनी अपने रिसर्च बुक में हम इस चीज़ को पूरा लिखेंगे। और फिर जो होगा इसी तरह से, मतलब जो रिसर्चर्स जो होते हैं उसी तरह से रिसर्च के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, इसीलिए पीएचडी वगैरह करने में इतना ज़्यादा टाइम जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे सारे प्रोसेस को किया जाता है, कैसे रिसर्च को किया जाता है, ब्रीडिंग स्टेप्स क्या हैं। तो आई होप आपको आज का पूरा ये जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो और इसके नोट्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू।